हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गए सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम 9 दिन तक माताओं के संदेश में लेके आऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। आज माता का पहला दिन है, शैल पुत्री का। देखते हैं माँ का संदेश क्या है हमारे लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज को अवॉइड करने के लिए कह रही हैं। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड हमारा निकल गया है, सेकंड कार्ड, थर्ड, आई होप गाइस आप लोग को कार्ड पसंद आ रहे होंगे। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है, आपके लिए डोर ओपन माता रानी कर रही हैं। अभी तक जिन चीजों को लेकर आप परेशान थे, किसी प्रॉब्लम में थे, या आपको ऐसा लग रहा था इतना काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए माता रानी डोर ओपन कर रही हैं। सोचिए समझिए और फिर आगे बढ़िएगा। हो सकता है ये भी रीजन हो, अभी तक जो आपका डोर ओपन नहीं हो रहा था आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन अब सब ठीक है, हिम्मत है आप में, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। आपका लोगों पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, आप लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलने वाली है। हाँ, कुछ चीजों में आपको ये कहा जा रहा है, तो कुछ चीजों के लिए आप सीखने की जरूरत यहाँ पे बताई जा रही है। हो सकता है ट्रेनिंग के लिए, हो सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह हो तो उसकी कोचिंग वगैरह लीजिए। हो सकता है घर पे जो पढ़ाई कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करे कैसे करे, तो आप लोग को ये भी राय दी जा रही है कि कोचिंग वगैरह आप लोग अटेंड करिए, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से कैसे स्टडी की जाती है कॉम्पिटिशन की आप लोग को पता चलेगा। बहुत क्लियर आप लोग को कहा जा रहा है, आप लोग के अंदर बहुत तेजी से चेंज आने वाला है गाइस। और आप लोग को ये भी बोला जा रहा है कि यदि आपको किसी चीज को लेके, ये स्टूडेंटों के लिए बहुत क्लियर आ रहा है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं उन लोग के लिए बहुत क्लियर ये कहा जा रहा है, यदि आपको किसी चीज को लेके प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा या कंफ्यूज है क्या करे क्या नहीं, तो आपके जो गुरु हैं, आपकी जो लेडी टीचर है उनसे सलाह लीजिए या आपकी मॉम से सलाह लीजिए। अगर किसी चीज को लेके आप डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा, और आपको कई लोगों को बोला जा रहा है कि बेमतलब की चीजें अपने कंधे पे लाद के मत घूमिए, यानी दूसरों के काम नहीं, ये सेल्फ लव का टाइम आ गया है आपका, दूसरों का काम आप मत करिए। अभी तक हर चीज में हाँ हाँ, जो लोग अपना काम छोड़ के वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपके ऊपर बर्डन डाल के जा रहे थे, तो यहाँ बहुत क्लियर कहा जा रहा है नहीं, वो समय गया, अब आपको अपने लिए खड़ा होना है, दूसरों की चीजें लाद के अपने कंधे पे नहीं घूमना है आपको। या हो सकता है घर में बहुत लोग कमाने वाले हो, यंग हो, आप ही अकेले कमा रहे हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उनको भी जवाब देने का समय आ गया है। बहुत क्लियर ये चीज कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है, आगे देखना है, आगे आपका फ्यूचर है। पीछे पास्ट को मत देखिए गाइस, प्रेजेंट को देखिए, फ्यूचर को देखिए, आपको आगे क्या करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, माता रानी का बहुत क्लियर संदेश है आप लोगों के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आप अब जाके जो भी आपका डलनेस थी, बॉडी में पेन होता था या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे दिमाग ब्लॉक हो गया है, तो अब आपको बहुत क्लियर पिक्चर, एवरीथिंग, सब कुछ दिखने लगेगा। ये माँ शैल पुत्री का संदेश है। चलिए माता रानी का एक कार्ड और निकाल लेते हैं, देखते हैं उनका संदेश क्या है आप लोग के लिए। चलिए देख लेते हैं माता रानी के कार्ड से। तो इसमें भी आपको माँ शैल पुत्री यही सलाह दे रही है। देखिएगा इस कार्ड भी वो वैसे निकले, ये भी कार्ड माता का वही निकला है। पास्ट मत देखिए, अपना डार्क साइड मत देखिए, जो पास्ट था वो बीत चुका है,
पास्ट को प्रेजेंट में मत लाइए, उसे मत सोचिए। अगर पास्ट को जितना सोचेंगे इतना घना जंगल है, एंटर होते जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, कुछ रोशनी वहां नहीं दिखेगी। इसलिए उसे फॉरगेट करिए, और जिन लोगों को आप माफ नहीं कर पा रहे, फॉरगिवनेस करिए, आगे बढ़िए, लेट गो करिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आपको यूनिवर्स, आपको माता रानी का आशीर्वाद है, आपको यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, एंजल्स आपका साथ दे रही हैं, लेकिन आपको पहला कदम तो खुद ही गाइस उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो पूरी रीडिंग मैंने आप लोगों की है, जब तक आप अपना पास्ट नहीं भूलेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी आपका डार्क साइड था, जो भी डार्क पास्ट था, भूल जाइए। जो भी तकलीफें हुई वो पास्ट हो चुका है, प्रेजेंट में उसको लाने की जरूरत नहीं है। और आपको यदि ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे उस बात को लेके, तो लोग ज्यादा दिन तक उन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। जिस दिन आपने अपने नाम का झंडा गाड़ लिया, यानी कि तरक्की कर ली, कुछ बन गए या कुछ ऐसा अचीव कर लिया, लोग कुछ भी उनको याद नहीं रहेगा उस चीज को, और बल्कि आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बेल बटन गाइस जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।